हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबरी शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम मॉक टेस्ट 2 लेके आए हैं हमारे सेम फैमिली स्टडीज़ के टॉपिक से। ये NTA UGC NET JRF 2020 होम साइंस का 8th यूनिट है, दैट इज़ फैमिली स्टडीज़। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। ये हमारा जून 2018 का क्वेश्चन है, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम में जिस समय पे वो हुए थे उस टाइम पे। लाइक अगर कोई 92 में बॉर्न हुआ है, कोई 94 में हुआ है, और कोई 96 में हुआ है, तो अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा तो हम सबसे पहले 92 बॉर्न का लगाएंगे, फिर 94, फिर 96, मीन्स सीक्वेंस में ईयर वाइज। तो यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और कई बार एक चीज़ होता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि मैम ये सब याद नहीं हो पाते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलती हूँ, एटलीस्ट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आपके दे रखे हों उनको आप याद कर लीजिए, बिकॉज इन्हीं को जो ये इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर इन्होंने हमें गिवन है 6 ऑप्शंस, तो आपके कहीं ना कहीं ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं। सो इसीलिए इट्स बेटर जैसे ही आपका कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, आप उन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, उसको मेमोराइज कर लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। सो यहाँ पर गिवन है, जैसे कि ए है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, दैट इज़ प्रिवेंशन प्रोहिबिटेशन एंड रेड्रिसल एक्ट। सो इनको अगर हम इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा तो इस इन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सेकेंड, DBACEF। आइए देखते हैं, DBACEF में सबसे पहले आता है आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुआ था, देन डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, देन इन 2005 प्रोटेक्शन ऑफ डाउरी फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड एट लास्ट द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिटेशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 में। सो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से। सिर्फ आपको आज के लिए अगर हम सोचें कि किस तरह से आपको इनको याद करना है, तो आपके लिए आज के लिए सिर्फ इन 6 को आपको लर्न करना है, इनकी डेट्स को आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम, दैट इज assertion रीजन। assertion रीजन का जो क्वेश्चन होता है, assertion इज एक स्टेटमेंट दे रखी है। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड को एक्चुअली कंबाइन करके। पहला कि आपको assertion और रीजन जो दे रखे हैं उसमें assertion ट्रू है या फॉल्स है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है, इसको लेके दो टर्म्स यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, एंड उसके बाद हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया अपनाना होता है कि कौन सी बात कितनी जस्टिफाई है, क्या वो रीज़न है हमारी अबव स्टेटमेंट का, ये देखना होता है। तो इसमें assertion दे रखा है कि रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्क्राइब वुमेन डिसएडवांटेज्ड पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। इसका क्या मतलब है, जैसे कि इसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, अगर हम रिसर्च करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, तो क्या वो डिस्क्राइब करे कि किसी भी वुमेन की डिसएडवांटेज पोजीशन या फिर लैक ऑफ उसके रिप्रोडक्शन राइट्स का। और रीजन में दे रखा है कि नोशंस ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर आउटकम्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन विच शेप सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि जो भी नोशंस है मैस्कुलिन जो और फेमिनिटी के आउटकम जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं कुछ एक नोशंस फॉर द मेन मेल एज वेल एज फीमेल, मैस्कुलिन मीन्स मेल्स के लिए, फेमिनिटी मीन्स फीमेल्स के लिए, उन्होंने जो सोशल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, जो शेप दे रखी है सेक्सुअलिटी और रिप्रोडक्टिव राइट्स, क्या ये हमारा रीजन है इस assertion के लिए, ये भी हमारा दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कुछ एक कोड्स दे रखे हैं, कोड्स के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा बोथ आर करेक्ट, यस, बिकॉज क्योंकि देखो लैक है, जब हमारे रिप्रोडक्टिव हर एक वुमेन के पास कुछ एक रिप्रोडक्शन के भी राइट्स हैं, अगर उसकी उसकी राइट्स की और उसकी पोजीशन की डिसएडवांटेजेस होती है, तभी उसी चीज़ की पे ही तो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिस्क्राइब करेंगे, उसी चीज़ पे तो हम रिसर्च करेंगे। एंड ये भी सच है कि सोसाइटी ने मेल और फीमेल के अंदर बांट दिया है हमारी सोसाइटी को, उसी के अकॉर्डिंग सेक्सुअलिटी को शेप किया है और रिप्रोडक्टिव राइट्स को भी। सो बोथ आर करेक्ट।
नेक्स्ट भी assertion रीजन है, दैट इज सिंगलहुड एज अ ट्रेंड हैज risen considerably इन recent ईयर्स, कि जो सिंगलहुड है क्या वो आजकल बहुत ज्यादा राइज हो गया है और इन द रिसेंट ईयर्स आने वाला जो साल आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. एंड रीजन है वुमेन विद हाई स्टेटस कैरियर, जिन वुमेन्स के हाई स्टेटस होते हैं वो लेटरल मैरिज एंड हाई डिवोर्स, वो लेट मैरिज कराती है और उनके डिवोर्स रेट्स भी हाई होते हैं, हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रिमेन सिंगल. इन्हीं वजहों से वो सिंगल रहती है. क्या ये पूछा है? ये ऐसी बात है कि सिंगलहुड जो है वो आजकल बहुत ज्यादा चलन में आ गया है. सबसे पहले तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना है, मीन्स आपको इसका आंसर देना है कि सिंगलहुड जो है वो बहुत ज्यादा आजकल चलन में आ गया, बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ोतरी हो गई. सिंगलहुड मतलब कि अकेले अकेले रह जाते हैं अब ना. सो नहीं, ऐसा नहीं है कि सिंगलहुड बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया, बिकॉज अगर हम आज भी देखें तो मैरिड जो पीपल्स हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है. एंड रीजन हमारा क्या है कि जो हाई, जो वुमेन्स का हाई स्टेटस है उनके करियर की वजह से क्या वो लेट मैरिज करती है और उसका डिवोर्स रेट भी, तो इसका कहीं से भी अभी तक ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है कि वुमेन्स अकेली सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो लेट मैरिज कराती है और इस वजह से वो डिवोर्स भी ले लेती है. सो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्रोग्राम्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द ईयर देयर इंसेप्शन गिवन इन लिस्ट 2. ये हमारा जैन 2017 का क्वेश्चन है. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 5-6 चीजें याद की थी, ऐसे ही यहां पर आपको ये 4 याद करने हैं. दैट इज ये कब कब हुए थे, ICDS, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. सो ये हमारे कब हुए थे देखते हैं. जो हमारा ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, ये हमारी 1975 के अंदर स्टार्ट हुई थी. स्वच्छ भारत अभियान हमारा 2014 में हुआ था, आपको ये तो पता है, बिल्कुल रिसेंट बात है. और सर्व शिक्षा अभियान हमारा 2001 में था. एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो था वो हमारा 2015 के अंदर हुआ था. क्लियर? नेक्स्ट assertion रीजन का क्वेश्चन है, अ फैमिली functions इज अ सिस्टम, कि जो फैमिली फंक्शन है क्या वो कोई सिस्टम है. और रीजन इज द सेट ऑफ पार्ट कोऑर्डिनेटेड टू accomplish अ सेट ऑफ गोल्स, कि क्या फैमिली के जो functions है वो एक सेट ऑफ गोल है जिसको हमें कंप्लीट करना पड़ता है. सो ये भी हमारा जून 2015 का क्वेश्चन है. दैट इज अ ट्रू, क्योंकि जो भी फैमिली फंक्शंस हैं, जो भी जितने यहाँ पर फैमिली फंक्शन का मतलब कोई फंक्शंस होना से नहीं है, फैमिली फंक्शन का मतलब है कि जितना भी फैमिली आपस में रह के अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है, क्या वो एक सिस्टम है. यस, फैमिली फंक्शन इज अ सिस्टम. एंड ऑल्सो ये एक सेट ऑफ पार्ट्स कोऑर्डिनेटेड, आपस के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करती है और कुछ एक गोल्स, जैसा कि आप लोग भी आपके घरों में हो और आप लोग क्या करके रखते हो, एक मोटिव बना के रखते हो अपनी फैमिली का कि सपोज एक साल के अंदर हमें गाड़ी खरीद लेनी है, या फिर एक साल में हमने घर बना लेना है, या फिर किसी की शादी कर देनी है. सो ये सारे के सारे क्या है, सेट ऑफ पार्ट है जिसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं और एकम्प्लिश करते हैं अपने गोल्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन टू कवर द 4 Ds. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा इनिशिएटिव था जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन या इंटरवेंशन चिल्ड्रंस के लिए यूज किया गया था, 4 D को कवर कर रहा है. सो पहले तो आपको सोचो, आपको 4 D पता होने चाहिए, उसके बाद हम इसका आंसर इजीली दे सकते हैं. दैट इज कोड्स हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, स्नेह स्पर्श एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस दैट इज ICDS. तो यहाँ पर भी आपको, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 6 लर्न किए थे, नेक्स्ट में हमने 5, यहाँ 4, यहाँ पर भी हमें इन 3 को कि यहाँ पर हम एब्रिविएशंस भी याद कर सकते हैं बिकॉज ये भी आ सकती हैं. सो करेक्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बिकॉज इसमें 4 Ds कौन से हैं, डिफेक्ट एट बर्थ, डिफिशियंसिस, डिजीजेस एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटीज, ये सारी की सारी हमारी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव लिया था. और इसके अंदर चिल्ड्रंस को इन्होंने पैदा होने से लेके, उन्होंने देखा था कि उनके इंटरवेंशन प्रोग्राम्स और चिल्ड्रंस के ये सब स्टार्ट हो, ना तो उनके बर्थ में कोई डिफेक्ट आए, ना उनको कोई डेफिशिएंसी हो, ना डिजीज़ हो, और ना ही उनकी डेवलपमेंट में कोई कमी आए. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो विच पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी, कौन सा पेरेंट एजुकेशन प्रोग्राम है जो
इंडिविजुअल की साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है. सो पेरेंट इफेक्टिवनेस ट्रेनिंग स्टेप, सिंगल पेरेंटिंग प्रोग्राम या नन ऑफ दिस. सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, दैट इज स्टेप. स्टेप की भी फुल फॉर्म क्या होती है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव पेरेंटिंग. तो स्टेप क्या चीज़ है हमारा, कि हमारी जो इफेक्टिव पेरेंटिंग अगर हम चाहते हैं, बहुत अच्छी पेरेंटिंग चाहते हैं, मींस इंडिविजुअल साइकोलॉजी, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है. बेस किस पे करता है स्टेप, हमारा इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर बेस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक इंक्लूड, पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक क्या क्या इंक्लूड करती है, फोकस ऑन द बिग स्टफ, टीच एम्पथी, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, ट्रम्प एंगर, लिसन टू योर चाइल्ड, बिलीव इन योर चाइल्ड. सो कोड्स के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे हमारे करेक्ट हैं, बिकॉज पॉजिटिव पेरेंटिंग के अंदर ये नहीं होता कि पेरेंट्स ना जानबूझ के छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बच्चे को इरिटेट करते हैं, वो फोकस करते हैं अपने बिग स्टफ्स पे. टीच एम्पथी, उनको बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, और गुस्से को किस तरीके से उनको अपने नेचुरली उनको काबू में लाना हो चाहिए, और किस तरह से अपने आप को गुस्से के अंदर सो नेचुरल अनवांटेड वो एडवांटेज नहीं देते हैं एंगर को, और लिसन करते हैं अपने चिल्ड्रंस को और बिलीव भी करते हैं अपने चिल्ड्रंस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, वो कहाँ पर क्या प्रोवाइड करता है, सिक्स टू इंश्योर सिविल रेमेडी टू द विक्टम, कि वो इंश्योर करता है सिविल की रेमेडी विक्टम पे, नो प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द विक्टम, विक्टम को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड होती, वुमेन कैन क्लेम राइट टू हर स्त्रीधन, वुमेन अपनी स्त्रीधन को क्लेम कर सकती है, अ वुमेन लोज राइट टू रिसाइड विद हर हस्बैंड, और वुमेन ये अधिकार खो देती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रह सके, और टू स्टेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स फॉर विक्टिम, या फिर वो क्या प्रोटेक्शन और जो प्रोटेक्शन मांग सकती है विक्टिम, मतलब अपने अगेंस्ट, अपने लिए वो प्रोटेक्शन मांग सकती है कि उसको खतरा है. सो 2005 जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो क्या क्या करता है, ACE मीन्स वो रेमेडी देता है, इंश्योर करता है सिविल रेमेडी, क्लेम करता है स्त्रीधन, और प्रोटेक्शन भी ऑफर करता है टू द विक्टिम. आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे assertion reason से, काउंसलिंग इज द एडवाइस गिवन टू हर आउट एन इंडिविजुअल. जो काउंसलिंग होती है क्या वो एक एडवाइस है जो हम किसी को भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल को दे सकते हैं बेसिकली, येस दैट्स ट्रू, एंड काउंसलिंग कम्स अंडर गाइडेंस रीजन है. क्या काउंसलिंग और गाइडेंस हमारी सेम होती है, सो नो दैट्स नॉट सेम. सो ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि काउंसलिंग और गाइडेंस एक चीज होती है, जैसे सपोज अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कौन सा कोर्स लेना चाहिए, दैट इज माय गाइडेंस टू यू कि ये नहीं बच्चे ये वाला कोर्स ले लो, इसमें आपका इंटरेस्ट है. बट काउंसलिंग क्या करती है, हेल्प करती है, कोई एक ऐसी बेसिकली एडवाइस होती है जो किसी भी प्रॉब्लम से निकलने में हमें सहायता देती है, दैट इज काउंसलिंग. वी विल ट्राई कि हम नेक्स्ट आपकी आने वाली वीडियोस में और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएँ. होपफुली आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बेसिकली इन्हीं से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, जो भी और नए क्वेश्चंस आएंगे वो हम साथ के साथ लेते आएंगे. कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS Fashion को. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.